हेलो लेजेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो थंबनेल देख के आप लोग पहचान लिए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, फिल्म का जो टॉपिक है कि ये फिल्म क्या दमन के साथ साथ और भी ओडिया फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो देखिए, इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, दमन एक ऐसे दौर में रिलीज़ हुआ था, सिर्फ ओडिशा नहीं, ओडिशा के बाहर के लोग भी इसका तारीफ किए थे। बहुत सारे रिव्यूअर्स हो या फिर फिल्म क्रिटिक्स हो, वो इस फिल्म को देखे थे और काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन रिव्यूज़ दिए थे। बट यहाँ पावर की बात करें तो पावर जो है एक ऐसे फिल्म है जो सिर्फ ओडिया इंडस्ट्री में ही सीमित है, लेकिन जो दमन था सिर्फ ओडिया नहीं, बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह पर जो है फैल चुका था। तो यहाँ पर अगर पावर की बात करें, हो सकता है कि पैसे के मामले में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट दमन का जो रिकॉर्ड था वो नहीं तोड़ सकता है, उसका इतिहास नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि दमन का कुछ क्रेज ही ऐसा ही था जो कि वही बाबूशान तोड़ सकते हैं। उनके आने वाले फिल्म O2, जो ऑक्सीजन O2 के ऊपर जो फिल्म होने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबूशान को जो आने वाली फिल्म है ऑक्सीजन, जो कि जैसे कोविड के टाइम में कैसे ओडिशा ने ऑक्सीजन पहुंचाया था, तो उस दमन टीम वाले दमन का जो क्रेज़ था वो कुछ और ही था दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ पैसे की नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्रेज़ की, जो उस दौर पे था, उस टाइम पे था। मुझे नहीं लगता कि पावर उसे तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कमाई के मामले में हो सकता है कमाई कर ले, थोड़ा आगे भी कर ले, थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन जो दमन का जो क्रेज़ है वो नहीं तोड़ सकता ये पावर। तो हो सकता है और भी इसके साथ कोहड़ी फिल्म रिलीज़ होने वाला है, बट मैं यहाँ आशा करता हूँ कि दोनों के दोनों फिल्म जो है अच्छा खासा कमाई करे और कोई भी फिल्म फ्लॉप ना हो, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट्स लगता है, तो उनके हार्डवर्क को हमें समझना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब